आप देख रहे दैनिक शेर समाचार, मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अब ये पहुंच चुके हैं गोरबे प्रेमी सीएम अरजोरी, सीएम अरजोरी, सीएम अरजोरी। अब पहुंच चुके हैं पीएससी घर में। आप देख सकते हैं घर पीएससी में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि यहां पर कभी भी डॉक्टर नहीं आते हैं। यहां पर दो डॉक्टर्स हैं, लेकिन आज तक लोगों का कहना है कि हमने डॉक्टर्स नहीं देखे हैं। और यहां पर एक फार्मा स्टैंड है जो आयुष का है, शायद वही एपीएससी चला रहे। ये देख सकते हैं किस तरह लोग यहाँ परेशान है। सरकार ने यहाँ लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पीएससी खोली है। आप देख सकते हैं इस पीएससी के अंदर ये एम्बुलेंस है जो लोगों का इलाज करती है, यहाँ से रजौरी लेके जाती है, जम्मू लेके जाती है। फिर ना तो उसके टायर है, ना इस गाड़ी में कुछ है। अंदर के भी दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं लोगों से जानना चाहूंगा, सर कब से यहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहे आपको? सर कम से कम 2-3 महीने हो गए यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, और एक मिर्जा है यहां पे जो आता है। बाकी इस पूरे हॉस्पिटल के आप हालात देख सकते हैं, जैसे कोई बकरियों का बाड़ा होता है ऐसे हालात है। एक एम्बुलेंस ये पड़ी हुई है, एक एम्बुलेंस इसके पीछे पड़ी हुई है। एक हमारे पास एक ड्राइवर था पहले अंतर सिंह, उसने फिर भी थोड़ा बहुत सर्कल चलाया। अब उसके बाद ना यहां पर कोई एम्बुलेंस है। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर हाथ, खुद आप लोग हालात देख सकते हैं। अंदर जो दवाई है यहां पर पूरी एक्सपायर है, दो एक्सपायर है। मैं ये चेक करना चाहूंगा, आप मेरे साथ आए, पहले हम चेक करेंगे। ये देख सकते हैं यहां पर ये पीएससी की हालत है इसकी। ये देख सकते हैं ये पीएससी मेडिकल अफसर, ये देख सकते हैं मेडिकल अफसर यहां पर किस तरह यहां लॉक लगाए गए हैं। कोई डॉक्टर्स नहीं आता है, यहां पर लॉक्स रहते हैं। ये देख सकते हैं यहां पर इसकी आप कंडीशन देखें, यह पीएससी की कंडीशन है। ये देखें तिरंगा झंडा जो हमारा है वो इस देश की शान है, वो इस बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये देख सकते हैं तिरंगे झंडे की आप किस तरह यहां पर अपमान किया जा रहा है पीएससी गन के अंदर। ये गन के मैं दृश्य दिखा रहा हूं आपको, किस तरह यहां पर भारत देश का जो तिरंगा है, किस तरह इन लोगों ने तिरंगे को रखा हुआ है। यहां के दृश्य में भी दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं यहां पर ये जितनी भी यहां पर मेडिसिन है, आप भी आया मेरे साथ अंदर आया, ये देख सकते हैं जितनी भी मेडिसिन है, ये मेडिसिन सारी यहां पर एक्सपायर है। ये आप देखें, यहां पकड़े ये मेडिसिन सारी, जितनी भी मेडिसिन है ये सारी की सारी एक्सपायरी डेट की पड़ी हुई है। ये देख सकते हैं जितनी भी यहां पर मेडिसिन है, सारी की सारी यहां मेडिसिन जो है एक्सपायरी डेट की है। ये भी देख सकते हैं आप किस तरह पर यहां पर ये जो मेडिसिन है ये एक्सपायरी डेट की पड़ी हुई है। ये देखें आप, इन लोगों को, गरीब लोगों को यही मेडिसिन यहां पर दी जाती है। मेरे साथ यहां पर मिर्जा साहब खड़े हैं। मिर्जा साहब, ये लोग जो है यहां पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप लोग के डॉक्टर कहां हैं? तो मैं आया सिंह फार्मेसी में, मेरी दवाई देख सकते, कोई एक्सपायरी भी नहीं होगी, सुरक्षा देख सकते हैं। ये तो आप आया सिंह की दिखा रहे हैं, बाकी वाला जो जितनी भी मेडिसिन है ये सारी तो यहाँ एक्सपायर पड़ी हुई है, डॉक्टर यहाँ है नहीं। डॉक्टर साहब बोलते हैं मैं कालेगढ़ जाना आज दूसरा। ये लोग कह रहे हैं पिछले 2 महीने से आपके डॉक्टर यहाँ आए नहीं है। एमरजेंसी सर, एक दिन हो सकता है, हर दिन बढ़िया साहब। अब क्यों लोग झूठ बोल रहे हैं? यहाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं कालेगढ़ जा रहा हूँ, जबकि डॉक्टर साहब पिछले 2 महीने से यहाँ कोई डॉक्टर है ही नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? उसके बाद कोई नहीं आता यार। देखिए आप यहाँ रहते हो, लोग कह रहे हैं आप रह रहे हैं, लेकिन आप ये कोरा झूठ बोल रहे हो। क्यों चाहते हो डॉक्टर साहब को आप? देखो डॉक्टर साहब सोमवार को आए थे, देखो सही से बात है। ये देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इनका जो कोरा झूठ है, उन्हें कहा है डॉक्टर साहब काला कोट उन्होंने बोला था, लेकिन पिछले 2 महीने से यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। दवाई वो अंदर ऐसे बंद है, वो कमरे बंद भरा हुआ अंदर, जो दवाई है अगर इनसे दवाई मांगो तो कहते हैं कि चाबी डॉक्टर के पास है। आप चल के देख सकते हैं ताला तोड़े, पेटियां भरी हुई है, जलाने के लिए डस्टबिन बना हुआ है, उसके अंदर दवाई जलाई जाए। जलाने के लिए डस्टबिन है, मुझे ऐसा मुझे दिखाई स्टोर दिखाई मुझे जहां आपने दवाई रखी हुई है। मेरी आईएससी वाली है, मैं इसका उसकी चाबी किसके पास है? मेरे पास नहीं है चाबी, इनके पास है नहीं है, उसको लॉक लगा हुआ है। पिछले तकरीबन जैसे लोगों ने कहा 2 महीने से यहाँ कोई डॉक्टर आए नहीं है। मिर्जा साहब ने दिखा दिया कि मैं आईएसएम का हूँ, मेरे पास आईएसएम की दवाई पड़ी है, बाकी दवाइयों के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर कोई आता नहीं है, ना ही वो यहाँ पर दवाई देते हैं। तिरंगा क्या है? तिरंगे के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, तिरंगा झंडा जो छत के ऊपर होना चाहिए, आपकी बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए, आपने वो कुर्सी के ऊपर किस तरह उसका आपने अनादर किया है? बारिश में ये दृश्य जो है, मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है ये चीज बताने में भी, कि किस तरह मिर्जा साहब बड़े गर्व से कह रहे हैं कि नहीं जी वो बारिश आती है तो बारिश की वजह से हमने उसको उठा के अपने चेयर पर रख दिया है। लेकिन ये दृश्य आप देखें किस तरह यहाँ पर ये स्टोर की, ये आप देख सकते हैं ये स्टोर है, स्टोर को चमचमाते ताले हैं यहाँ पर। तीन बजकर बीस मिनट हुए, बाकी ये लोग परेशान है, इन लोगों ने पहुंचकर लोग परेशान है। जब भी यहाँ कोई आता है तो
इनका एक ही होता है कि हम इंक्वायरी करेंगे। यहां जब सीएमओ आते हैं, बीएमओ आते हैं, इंक्वायरी करेंगे, लेकिन इंक्वायरी के नाम पर आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, क्योंकि यहां जो सर मेरी पेंशन है एक लकड़ी जी ये देख सकते हैं कि इनने कहा है कि हम भी यहां आते हैं, डॉक्टर साहब के भी हमें पेंशन का मसला था, कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, लेकिन यहां डॉक्टर साहब आते ही नहीं है। ये देख सकते हैं दृश्य किस तरह, यहां पर कुर्सियां पड़ी हैं खाली, लेकिन यहां पर आपको कोई मिलेगा नहीं। ये दृश्य आप देख सकते हैं, यहां पर मेडिसिन की कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से देख सकते हैं किस तरह यहां पर जो ये लाई जाती है, लेकिन यहां पर पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है। जब मैंने सीएमओ साहब से टेलीफोन बात की तो उन्होंने कहा मैं बात करूंगा, मैं देखूंगा ये डॉक्टर साहब कहां है। मैंने भी इनको कहा कि यहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि पिछले दो महीने से दो डॉक्टर्स हैं, लेकिन यहां पर एक भी डॉक्टर यहां नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं पता करता हूं कहां पर है। ये दृश्य जो है, मैं फिर आपको बताऊं, ये दृश्य जो है गर्ल कुआ के हैं, क्योंकि ये लोग परेशान है। यहां से राजौरी अगर जाना हो तो कम से कम 30 किलोमीटर इन्हें जाना पड़ता है, निशारा जाना पड़े, वहां भी इनको कम से कम 20-25 किलोमीटर। ये बेड की कंडीशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं आप यहां पर इन बेड की कंडीशन आप देखें, जो इन्होंने बाड बनाई हुई है। ये देख सकते हैं ये बेड की कंडीशन है, यहां पर लोग आके ये इस बेड की कंडीशन देखें। जब से ये चादर आई है मुझे नहीं लगता कि किसी चादर, ये देख सकते हैं इसके ऊपर, ये देख सकते हैं किस तरह की यहां कंडीशन है। लेकिन मिर्जा साहब का उनका साफ साफ कहना है कि नहीं जनाब, मेरे पास जब कोई मरीज आता है तो मैं उसको कहता हूं डॉक्टर साहब जम्मू में है, आप जम्मू में जाके उन्हें चेक करें। ये अब ये जो दृश्य है ये पीएससी गर्ल के हैं। सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये खोखले दावे हैं। आप ग्राउंड जीरो पर जब जाएंगे तो यही आपको दृश्य देखने को मिलेंगे जो आज गर्म कुआ के अंदर है। दो यहां पर डॉक्टर सरकार ने यहां रिपोर्ट किए हुए हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर यहां नहीं आता है। जब मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर साहब का यह साफ कहना था कि नहीं हमें दूर है, यहां क्वार्टर नहीं है मेरे लिए, रहने की जगह नहीं है, मैं यहां कैसे रहूं। लेकिन जब इन्हें नौकरी की जरूरत होती है तब ये क्वार्टर नहीं देखते हैं, ये दूर दराज नहीं देखते हैं, बट जब इनकी जॉब लग जाती है उसके बाद कमिश्नर आप देख सकते हैं इन गरीब लोगों का कौन रखवाला है। कैमरामैन अक्षय के साथ बाल कृष्ण शर्मा, दैनिक सेठ समाचार, गर्म कुआं।